नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक निटिंग का 3D पैटर्न का एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। हमारा ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू होता है, इसलिए पहले हम एक बेस रो बनाएंगे, उसके बाद रॉन्ग साइड से हमारा डिज़ाइन बनना शुरू होगा। डिज़ाइन हमारा 4 फंदों का है, 3 फंदे हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, एक एक फंदा हमारा किनारे का रहेगा। डिज़ाइन हमारा 8 रो में जाकर कंप्लीट होता है। इस डिज़ाइन का प्रयोग अगर आप बॉर्डर पर करते हो इस तरीके से तो भी सुंदर लगता है, अगर आप फ्रंट पर इसको डालते हो और बाकी का स्वेटर प्लेन बनाते हो तो भी सुंदर लगता है, और अगर सारे स्वेटर पे डालते हो तो भी हमारा ये डिज़ाइन बनकर बहुत सुंदर आता है। तो अब हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं, और बैक साइड से हमारा डिज़ाइन इस तरीके का नज़र आता है। डिज़ाइन शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू। तो आइए अब हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई पर 4 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं, 3 फंदे मेरे एक्स्ट्रा हैं, एक एक फंदा मेरा किनारे का है। डिज़ाइन हमारा रॉन्ग साइड से शुरू होता है, इसलिए बॉर्डर बनाने के बाद एक रो हम बेस रो बनाएंगे, और बेस रो हम सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बेस रो हमने कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से, सॉरी रॉन्ग साइड से रो नंबर 1 है। पहले हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3। धागा अपनी ओर करके इस एक फंदे से हम 9 फंदे बनाएंगे। अगर आपकी ऊन मोटी हो तो आप 7 फंदे भी बना सकते हो, मेथड सेम है। 1, इस फंदे को हम खूब लूज रखेंगे तभी हमारे डिज़ाइन में ये जो चीज़ है ये फूल कर आएगी। अगर हमने इस धागे को हमने लूज नहीं रखा तो ये चीज़ सुंदर बनकर नहीं आएगी। 1, 2 धागा लपेट लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 खूब लूज रखेंगे। उसके बाद 4 फंदों का डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर लिया, इसी 4 फंदों के डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, और इस एक फंदे से 9 फंदे बनाएंगे बिल्कुल लूज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक बार हमने डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। एक बार मैं और आपके सामने बना रही हूँ, 3 फंदे सीधे और 4th फंदे से 1 फंदे से 9 फंदे, 1, 2, 3,
चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ये तीन फंदे एक्स्ट्रा सीधे आएंगे, एक दो तीन, रॉन्ग साइड से सीधे आएंगे और सीधी साइड से उल्टे आएंगे। सीधी साइड से रो नंबर दो बना रहे हैं, पहला फंदा किनारे का, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। तीन फंदे बनाने के बाद इन नौ फंदों को हम ऐसे सिलाई लेकर पीछे से ले जाते हुए एक फंदा इकट्ठा बना लेंगे। खींच लेंगे, कस देंगे। आगे वाले चार फंदों का डिजाइन रिपीट कर लिया, इसे ही हम रिपीट करेंगे। तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, और इन नौ फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। अपनी सिलाई इस तरीके से बैक साइड से ले जाते हुए एक फंदा इकट्ठा बना लेंगे। एक बार डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। इसी डिजाइन को मैं रिपीट कर रही हूं, एक दो तीन, धागा दूसरी तरफ करेंगे और इन नौ फंदों के डिजाइन को इकट्ठा एक फंदा हम बना लेंगे। और तीन फंदे हमारे एक्स्ट्रा, एक दो तीन, ये फंदा किनारे का। सीधी साइड से रो नंबर दो हमने कंप्लीट कर ली है, अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर तीन बना रहे हैं। तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी ओर करके इस एक फंदे को हम उल्टा बिना बुने उतार लेंगे और धागा दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसको हम खींच के रखेंगे, तभी हमारी ये चीज़ बाहर की तरफ आएगी। अगर हम इस धागे को लूज छोड़ देंगे तो ये बाहर की तरफ पूरी नहीं आएगी और हमारा डिज़ाइन सुंदर नहीं लगेगा। धागे को खूब खींच कर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, ये देखिए, ये जो हमने डिजाइन बनाया था पूरा का पूरा बाहर की तरफ चला गया है। धागा अपनी ओर करके चौथे फंदे को बिना बुने उल्टा उतारते हुए जोर से खींचकर तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन। फिर से धागा अपनी ओर किया और इस एक फंदे को बिना बुने उल्टा उतार कर धागा दूसरी तरफ करके खूब खींचते हुए तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, ये तीन फंदे हमारे एक्स्ट्रा थे। रॉन्ग साइड से रो नंबर तीन कंप्लीट कर ली है, अब हम सीधी साइड से रो नंबर चार बनाएंगे। आप देखिए, पहली बार में ही हमारा डिजाइन बिल्कुल उभर कर आ गया है। तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, और इस एक फंदे को हम बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और खींच के धागा अपनी ओर लाएंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, धागा दूसरी तरफ, चौथा फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और धागे को खूब खींचते हुए आगे वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, एक दो
तीन धागा दूसरी तरफ करके एक फंदा हमने उल्टा उतार लिया और खींच कर बनाते हुए आगे वाला फंदे तीन उल्टे, एक दो तीन, ये फंदा हमारा किनारे का। सीधी साइड से रो नंबर तीन हमने कंप्लीट कर ली है, सॉरी रो नंबर चार मैंने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर पांच कैसे बनाएंगे? पहला फंदा किनारे का, एक फंदा सीधा बनाने के बाद हम अपने इस फंदे को, इस फंदे से नौ फंदे बनाएंगे, बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल ढीला ढीला बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ। धागा दूसरी तरफ करके दो फंदे सीधे, एक दो, यहां पर मैंने नौ फंदे, चार फंदों के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। इसे मैं रिपीट करूंगी, एक फंदा सीधा बनाने के बाद अपने इस फंदे पर फिर से नौ फंदे बनाऊंगी, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ। नौ फंदे बनाने के बाद यहां पर मैंने डिजाइन के दो फंदे बना लिए, दो फंदे सीधे और बनाऊंगी तो चार फंदों का डिजाइन मेरा कंप्लीट हो गया। इसी डिजाइन को मैं फिर से रिपीट करूंगी, सॉरी एक फंदा सीधा दूसरे फंदे पर डिजाइन डालेंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ। दो फंदे सीधे बनाएंगे तो चार फंदों का हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर फिर से चार फंदों का डिजाइन कैसे बनेगा? तीन फंदे मेरे पास है, एक इस दूसरे फंदे से नौ फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ। तीन फंदे एक्स्ट्रा थे, एक दो और तीसरा फंदा सीधा, ये फंदा हमारा किनारे का। सीधी साइड से रो नंबर छह बनाएंगे, चार फंदों का डिजाइन है, एक फंदा उल्टा और इन नौ फंदों का हम एक फंदा पीछे से लेते हुए एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। दो फंदे पहले उल्टे बनाएंगे, एक दो, तो मेरा चार फंदों का डिजाइन कंप्लीट हो गया। इसी चार फंदों के डिजाइन को मैं रिपीट करूंगी, एक फंदा उल्टा और इन नौ फंदों का इकट्ठा एक फंदा पीछे से लेते हुए दो तीन चार, बस इसी चार फंदों के डिजाइन को हम रिपीट करते रहेंगे, एक फंदा उल्टा दूसरा फंदा पीछे से लेते हुए नौ फंदों का इकट्ठा एक फंदा, दो फंदे उल्टे, एक दो
यहाँ पर मैंने चार फंदों के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया, ये तीन फंदे मेरे एक्स्ट्रा, एक इनको हम पीछे से लेते हुए बनाएंगे, दो ये एक फंदा मेरा, तीसरा फंदा, ये फंदा हमारा किनारे का। सीधी साइड से रो नंबर 6 कंप्लीट कर ली है, रॉन्ग साइड रो नंबर 7, एक फंदा सीधा और इस फंदे को धागा अपनी ओर करके बिना बुने उल्टा उतारेंगे और खींच कर धागा दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो हमारा ये डिजाइन बाहर की तरफ चला जाएगा। एक दो, इन्हीं चार फंदों के डिजाइन को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर किया और इस फंदे को हम बिना बुने उल्टा उतारेंगे और खींच कर धागा दूसरी तरफ ले जाएंगे, दो फंदे सीधे, एक दो। ये देखिए हमारा डिजाइन सारा का सारा पहले रो में ही बाहर चला जाता है। फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे और आगे वाले दो फंदे सीधे, एक एक दो, तीन फंदे एक्स्ट्रा, एक फंदा सीधा, एक फंदा हमने बिना बुने उतार लिया और एक फंदा सीधा, ये हमारा किनारे का फंदा। देखिए सारा डिजाइन मेरा बिल्कुल अपनी सीधी साइड की तरफ आ गया है। जैसे ही मैं रो नंबर 8 बनाऊंगी और भी इसको फर्क पड़ जाएगा। सीधी साइड रो नंबर 8, पहला फंदा किनारे का और एक फंदा हमारा उल्टा, दूसरा फंदा बिना बुने उतारेंगे और आगे वाले दो फंदे उल्टे खूब खींचते हुए, एक दो। इन्हीं चार फंदों के डिजाइन को मैं रिपीट करूंगी, एक फंदा उल्टा, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागा अपनी ओर करके खींचते हुए दो फंदे उल्टे, एक दो। बस इसे ही अब मैं रिपीट करूंगी, एक दो तीन चार, ये दो तीन फंदे मेरे किनारे के, एक दो और तीन। एक बार मैंने अपनी डिजाइन की रो नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। इसी डिजाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। डिजाइन केवल इतना ही है, इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिजाइन को इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड जितना मर्जी बड़ा कर लें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।